हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे का दिन और संडे का दिन होता है बहुत ही कामकाज वाला। और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन। डेली रूटीन नहीं है, वीकली रूटीन है, जो कि हर संडे को थोड़ी एक डीप क्लीनिंग होती है घर में, वही है। तो आज मैं यहाँ पे शोकेस साफ कर रही हूँ। तो मैं हर हफ्ते कोई ना कोई कमरा चुन लेती हूँ सफाई करने के लिए। तो आज ये मेरा बेडरूम है जिसकी मुझे सफाई करनी थी। तो मैंने आज पूरा शोकेस साफ़ किया, एक एक चीज़ इसमें से निकाल के। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी क्योंकि कई दिन से ना कभी कभी आंधी तूफान आ रहा था, कभी बारिश हो रही थी तो धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी धूल हो गई थी इसके अंदर। और सारी चीज़ों पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो रोज़ रोज़ तो साफ़ हो नहीं सकती, तो इसलिए मैं संडे के संडे कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने टेबल की सफाई कर रही थी, जो घर में टेबल रखी हुई हैं। और ये मेरे कुछ DIYs हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। और कुछ बच्चों की रैक है यहाँ पे किताबों की, उनको एडजस्ट किया और थोड़ी सफाई की। उसके बाद मेरी ड्रेसिंग टेबल, तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक छोटी सी सीनरी है उसको भी। तो जब भी मैं साफ़ करती हूँ, मतलब सफाई करती हूँ, तो मेरे पास में दो तरह के कपड़े होते हैं, एक गीला एक सूखा। तो बस गीला कपड़ा, जहाँ गीला कपड़ा लगना होता है वहाँ गीला, और जहाँ सूखे से साफ़ करना होता है वहाँ सूखा। तो आज मैंने शीशे को कपड़े से ही साफ़ कर दिया, नहीं तो मैं कोलिन से ही हमेशा साफ़ करती हूँ। और मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गई है डस्टिंग अच्छे से, और ये सारे काम मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद में फिर कपड़े उपड़े सब गंदे हो जाते हैं। तो ये सब करने के बाद में मुझे बदलनी थी अपनी बेडशीट। तो मैंने अपनी सेटी का कवर भी निकालना, सेटी में ही रख रखे हैं मैंने, इसी में सारे कुशन कवर, बेडशीट, सोफ़ा कवर सब कुछ इसी के अंदर है। तो मैंने निकाली हैं अपनी बेडशीट्स और इस सेटी पे बिछाने के लिए कवर। और जो उतारे थे मैंने इसमें से कपड़े, वो मेरा बेटा जा रहा था मशीन में रखने के लिए, क्योंकि आज हमने मशीन भी लगाई हुई थी और संडे को तो वैसे ही इतना काम हो जाता है, मशीन भी लगाना और डस्टिंग का भी काम। तो ये सब होते होते काफ़ी लेट हो जाता है। तो ये सोफ़ा कवर हैं बेसिकली, जब मैंने सोफ़ा कवर लिए थे तो उसके साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ इस सेटी पे बिछाने के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं, ये नेट में हैं और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत जल्दी वॉश होके बहुत सुंदर लगते हैं, वॉश होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और कुशन कवर मैं यही रखूँगी, आज नहीं चेंज किए मैंने, नेक्स्ट वीक करूँगी। और ये कुछ साड़ियाँ हैं जिसमें मम्मी की फॉल लगानी है मुझे, और ये नाइट सूट है मेरे बेटे का। और ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रखे रखते हैं बेड पे, तो वो सब मैं अरेंज करूँगी अच्छे से। और ये कुछ मैंने दीवार पे स्टिकर्स लगाए हुए थे, इनके ऊपर भी थोड़ी धूल मिट्टी हो गई थी, तो वो भी क्लीन कर दी है सूखे कपड़े से। और उसके बाद मैं करूँगी बेडशीट चेंज। तो ये बेडशीट मैंने उतार दी अपनी, और पिलो कवर्स भी चेंज करूँगी इनके। तो जब मशीन लगी होती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो इसका भी, ये भी धो दो, ये भी धो दो। तो आज मैंने पर्दे भी निकाल दिए थे सारे, पर्दे भी वॉश करने हैं। और ये वाली बेडशीट मैंने निकाली है बिछाने के लिए, ये मैंने फिटेड बेडशीट निकाली है, और ये फिटेड मैंने घर में बनाई थी खुद से, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया मुझसे। तो किसी दिन दोबारा बनाऊंगी और फिर शेयर करूंगी आपके साथ में कि कैसे घर में हम फिटेड बेडशीट बना सकते हैं। और बहुत ही ईजी होती हैं ये, बहुत ही कम्फर्टेबल होती हैं बिछाने में, बहुत जल्दी बिछ जाती हैं, और एक भी इसमें बिछाने के बाद में बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आते बेड पे, और बिल्कुल निकलती नहीं है ये, क्योंकि चारों तरफ से अच्छे से दब जाती हैं। और बनाना भी बहुत ही इजी है, मैं आपके साथ ज़रूर इसका वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए कितनी जल्दी बिछ गई है हमारी बेडशीट।
और अब मैं पिलो कवर्स भी लगा दूंगी। और ये मुझे इस तरह के कंट्रास्ट में जो बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मेरी जो बेडशीट है वो लाइट वेट है, सॉरी लाइट कलर की है, और जो पिलो कवर है वो डार्क कलर के, तो ये कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों में ना लाइट कलर की अच्छी लगती हैं कॉटन की बेडशीट्स, कंफर्टेबल भी होती हैं। और ये मेरे कुछ मसल्स हैं, उनको भी मैं कवर चढ़ा दूंगी। तो ये वाला काम भी मेरा हो गया है फिनिश। अब मैं थोड़ा सी डस्टिंग करूँगी अपने बेड के सिराने की, क्योंकि इस पे भी काफ़ी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और छोटा मोटा बहुत सारा सामान यहाँ पे बच्चे इकट्ठा कर देते हैं। और मैं बेड के सिराने पे बेसिकली सिर्फ अपनी ये ब्रास की जो पानी की बोतल है ये रखती हूँ, अपना चश्मा और जो मेरा मोबाइल की लीड वगैरह है वही रखती हूँ। और लेकिन बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर देते हैं, तो वो सब उठा के यहाँ से हटाऊँगी और थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी यहाँ की। और यहाँ मुझे मिला मेरे बेटे के पेंसिल रबर कटर इधर उधर पड़े हुए थे, तो मैं इसको बोल रही थी कि उठा के रखने के लिए, लेकिन इसको उठना नहीं था बिल्कुल भी और बिल्कुल चाहते नहीं है काम करना बच्चे। और फाइनली लगा दी मैंने झाड़ू, क्योंकि बहुत डस्टिंग करने के बाद में कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो झाड़ू लगा दूंगी मैं यहाँ पे। और दूसरे कमरों में मैंने सफाई कर दी है और अब यहाँ लगा दूंगी मैं पोछा। तो पोछा मैं वाइपर से लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ा बैक प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ। और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया मेरा बेडरूम। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी, उसकी बेटी है, और ये दोनों लोग देखो कैसे लड़ रहे हैं और खेल रहे थे आपस में। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ आज अच्छा सा बना देते हैं, तो मैंने मंगा लिए थे बंस और मैं बना रही हूँ बंद पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है पहले भी, लेकिन अब दोबारा कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बंस को मैंने कट कर लिया है पीसीज में, पूरा कट नहीं किया, थोड़ा हाफ हाफ कट किया है, और उनके बीच में मैंने लगा दी हैं चीज़। तो ये स्लाइस वाली चीज़ मिली है मुझे, तो इनको मैंने कट करके इसमें फिल कर दिया है, और उसके बाद बटर डाल दिया इसमें। रैंडमली ही मैंने सब चीज़ें डाली हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर और लहसुन को ग्रेट कर लिया। लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना तो ना डालना चाहें तो नहीं डालें। और यहाँ थोड़ी सी कैप्सिकम ले ली है ग्रेट करके, और ऑनियन ले ली है। तो इनको मैं ऐसे ही बस रैंडमली भर दूंगी इन फिलिंग्स फिल जगह में थोड़ा सा। और उसके बाद ढेर सारा इसमें डाल दिया मैंने चीज़ ऊपर से, और नमक मैंने सब्जियों में ही डाल दिया था जो मैंने ग्रेट करके रखी थी। और उसके बाद में मैंने प्री हीट कर लिया है कढ़ाई को, उसमें रख दिया स्टैंड। बहुत क्विक बन जाती है ये रेसिपी, बच्चों को जब भी भूख लगे आप तुरंत बना सकते हैं। और ये प्लेट में रख के मैंने ये बन इसमें रख दिया है, और इसको मैंने कर दिया है कवर। और देखिए कितना अच्छा तरीके से ये मेल्ट हो गया है चीज़ पूरा। और मैं ये बहुत गर्म है, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। वाओ देखिए कितना अच्छा बना है ये, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। और देखिए कितना गर्म है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है अभी। तो बच्चों को आप सर्व कर सकते हैं इसको सॉस के साथ में, सीजनिंग के साथ में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्प्रिंकल की है सीजनिंग, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चों के लिए बनाया मैंने। तो आज मैंने रूटीन शेयर किया है आपके साथ में, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।